क्या होगा x x मतलब 9.3 इसमें वैल्यू आपकी चेंज हो सकती है. तो मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, मैं लिख देता हूं x ले लो ठीक. इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि आपने x सेंटीमीटर लिया तो इसमें आपको 1 सेंटीमीटर क्या करना है, ऐड करना है. 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, 1 मीटर जो भी आपके यहां पे x है, जो आपका x है 9.3 सेंटीमीटर का डिवाइड होगी. उसके बाद उसमें आप उसमें आपको क्या किया, 1 सेंटीमीटर का एडिशनल कुछ लाइन आपने ऐड की. ये आपका सी पॉइंट हो गया. अब आपको क्या करना है, कंपास की हेल्प से इस लाइन को क्या करना है, बाइसेक्ट करना है. बाइसेक्ट कैसे करते हैं, कंपास को हाफ से ज्यादा खोल के एक हाथ एक मिनट एक हाथ के जरूरत है, इधर से ऐसे करना है. इस लाइन को आपको बीच में से क्या करना है, बिल्कुल डिवाइड करना है. बाइसेक्ट करके इस पॉइंट को हम सेंटर लोगे और यहां से आप एक सेमीसर्कल ड्रॉ करोगे यहां पे ऐसे कंप्लीट. ठीक है बच्चों, सेमीसर्कल ड्रॉ किया. अब आपको क्या करना है, जो जो ये पॉइंट है आपके लिए इसमें आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है. ठीक, तो ये जो आपको यहां पर पॉइंट कट करेगा और यहां पे आपको कंपास की नीडल रखनी है और इसको आपको ऐसे ऐसे ड्रॉ करना है. तो ये वैल्यू है कि आपकी अंडर रूट x होगी, तो ये डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस पॉइंट. ये आपका क्या होता है, इस तरीके से आप करोगे तो ये आपका जो डिस्टेंस आएगा ये आपका क्या आएगा, रूट एक्स आएगा. और यहां पे आपको क्या लेना है, ये जो आपको पॉइंट है ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा जीरो. नंबर लाइन क्या मिलेगा बच्चों, जीरो. इधर आपको पॉजिटिव मिल गया, इधर आपको नेगेटिव मिल गया. समझे, सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो नंबर दिया हुआ है अंदर रूट के अंदर उसकी, उसमें एक सेंटीमीटर आपको ऐड करना है. फिर उस टोटल जो ये वैल्यू है ये लेंथ है, इसको आपको डिवाइड करना है. फिर सेंसर को ड्रॉ करना है. फिर जो ये पॉइंट है यहाँ पे बी पॉइंट, बी पॉइंट पे आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना है. और जो या लाइन ड्रॉ करोगे एंगल की डिग्री जिस पॉइंट पे इस सेमी सर्कल को कट करेगी उस पॉइंट को इस पॉइंट को आपको रेडियस के यहाँ पे ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करना है. और जो यहाँ पे कट करेगा ये आपके यहाँ से आपके अंदर वैल्यू होगी, ये क्या हो गया आपके रूट एक्स. एक्स पे जो आपको कुछ हो सकती है 9.3 5.3 कुछ भी हो सकती है, चाहे सकते आप 1.2 ले लीजिए. ठीक है, कुछ भी ले लीजिए आप वैल्यू. यहाँ पे मैंने आपको जनरल वाइज केस बताया है कि एक्स पे जो आप जो चाहे वो पुट कर सकते हो. यहाँ पे आपका पर्टिकुलर केस में क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा 9.3 आ जाएगा. ये आपका रूट 9.3 और ये भी आपका रूट 9.3. ठीक है बच्चों, ये समझ में आया आपके यहाँ पर कैसे करना है. ये आपके क्लासेस में जब चले होंगे तो आपको क्या होगा, मैंने आपके इससे रिवीजन करा दिया है कि आपका नंबर चाहे कुछ भी हो आपको ये एक पैटर्न होता है, इससे आपको नंबर लाइन इसको आप ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 रेस नंबर रेस नंबर करना है आपको, इसको नंबर सिंबल है आपके पे क्वेश्चन नंबर 5 का आपका क्वेश्चन नंबर 5 इसका और फर्स्ट पार्ट देखता हूँ. 1/√7 क्या दिया आपको, 1/√7 दिया हुआ है यहाँ पे. तो इसको आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है. तो रेशनलाइज करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, जो आपका डिनोमिनेटर है
इस केस में आपका डिनोमिनेटर क्या है, एक सिंगल नंबर है रूट सेवन, ये क्या है आपका रेशनल नंबर, तो इसी से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे और इसी से आप इसको डिवाइड करोगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा रूट सेवन और नीचे क्या आ जाएगा सेवन, हो गया डेसिमल इसलिए इस करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन आपका 1/√5 प्लस रूट टू, ये दिया हुआ है 1/√5 प्लस रूट टू, इसको आप कैसे करोगे, इस केस में आपको क्या करना होगा, जो ये आपका साइन होता है देखो इसमें आपका सिंगल नंबर है तो आप उस चीज से उसको मल्टीप्लाई करते रहोगे, और यहां पे इस केस में अगर आपका नंबर क्या है इस फॉर्मेट में है a प्लस b फॉर्मेट में है, जहां पे आपका नंबर ए भी आपके ए आपके कुछ भी हो सकता है, बी आपका क्या होना चाहिए मतलब इस तरीके से, स्टार्ट करना, ठीक है बच्चों, थैंक यू।